भरतपुर धौलपुर में जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन पर डटे हुए हैं। 17 जनवरी से जयचोली गांव में महापड़ाव डाले हुए हैं और इस दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आरक्षण को लेकर के वार्ता हुई, लेकिन अभी तक जाट समाज को कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिला है, जिसे लेकर के भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गंगा जल उठा करके कसम ली कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द आरक्षण नहीं दिया तो वो अगला कदम उठाएंगे। जाट समुदाय के लोग केंद्र की सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। संयोजक नेम सिंह फौजदार का कहना है कि 17 जनवरी को आरक्षण की मांग को लेकर के जयचोली गांव में महापड़ाव शुरू किया गया और अब इस महापड़ाव को 36 दिन हो चुके हैं और इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वार्ता भी हुई। कागजी कार्रवाई होने के बाद भी सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। जनवरी से आंदोलन चल रहा है और आज 36 दिन हो चुके हैं। कई दौर की वार्ता केंद्र में और राज्य में हो चुकी है। सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद में केंद्र सरकार जानबूझकर जाट समाज को अग्रेसिव करना चाहती है। जाट समाज ने बड़ी गंभीरता और धैर्य का परिचय दिया है। अगर आज ये जो पंचायत बुलाई है, पंचायत का मूल उद्देश्य यही है कि समाज से पूछकर ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार अगर उग्र आंदोलन को ही मानती है तो इसके बारे में सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जाट समाज फैसला करे।